नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती को लेकर विपक्ष ने सरकार पर किया हमला। रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी के बयान को बताया राजनीतिक हताशा, तो वहीं सेना ने बताया रूटीन अभ्यास। गुजरात के कारोबारी महेश शाह के घर इनकम टैक्स विभाग का छापा। आईडीएस के तहत 13,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का किया था खुलासा। आईटी विभाग ने खारिज किया डिक्लेरेशन। सामने आया आतंकी बुरहान वानी और हाफिज सईद की कथित बातचीत का ऑडियो। ऑडियो में हाफिज ने की बुरहान को हर संभव मदद देने की पेशकश। नोटबंदी को लेकर फिल्मकार महेश भट्ट ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, नोटबंदी की वजह से देश की जनता बेहद परेशान। नोटबंदी को देश का काला दिन करार दिया। मकाओ ओपन टूर्नामेंट से बाहर हुई सायना नेहवाल, क्वार्टर फाइनल में मिली हार। चीन की खिलाड़ी झांग यांग ने 21-12 और 2-17 से दी शिकस्त। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश जाने वाली अमेरिकी कंपनियों को दी चेतावनी। कहा, विदेश जाने की मंशा को त्यागे, अमेरिका में लगने वाले करों में राहत देने का किया वादा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।